दोस्तों कैसे हो आप। मेरा नाम है रियाज और आप देख रहे हैं VF गार्डनिंग। आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट लिखिए, मैं सबका जवाब दे दूंगा। आज मैं आपको अपने गार्डन की अपडेट्स दूंगा। अप्रैल की एंड को भी मई आने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे हालत क्या है अभी गार्डन में, क्या फ्रूटिंग हो रही है सब में। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ धनिया। ये हमारा धनिया है, हमने इसको हार्वेस्ट कर चुके हैं पहले से। हमने एक हफ्ते पहले इसको हार्वेस्ट करा था और हार्वेस्ट करने के बाद हमने इसमें गोबर की खाद दे दी थी ऊपर से, फिर वोटर डाल दिया था और फिर से ये रीग्रो होने लगा है धनिया। और पहले बार से घना उगेगा, इसलिए आप हार्वेस्ट कर लीजिए, फिर घना उगता है, आप उसको उखाड़े मत। गर्मी में भी मैं धनिया कैसे उगाते हैं जल्द वीडियो आने वाला है। मैंने गर्मी में धनिया उगाया था, इस टब में उगाया मैंने रेड कलर के। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पपाया। ये मेरा पपाया का प्लांट है, मैं इस पॉट में लगाया हुआ है। अभी मैं इसको इस साल में इसको इसमें रहने दूंगा, फिर मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगा। 18x18 इंच के ग्रो बैग में कर लूँगा मैं इसको। इसकी अच्छी ग्रोथ हो रखी है, देखो अभी ये पत्ते ऐसे आ रहे हैं, पर आप डरिए मत। ये ऐसी गर्मी, ज़्यादा गर्मी के कारण ऐसा हो जाता है, पत्ते का शेप बदल जाता है। और मैं आपको दिखाऊँ तो मेरा ये जो दो ब्रिंजल के प्लांट है, मैंने इनको ट्रांसफ़र करना भूल गया था, मतलब मेरे पास मिट्टी नहीं थी, तो ये अभी इसी में ही है। इनमें रूट आ चुकी है, देखो इसमें कलियाँ भी आ रही है। ये दो प्लांट मेरे रिपोर्ट करना बाकी रह गए, तो बाकी प्लांट मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। देखो अभी ये इसका अपडेट है। अब मैं आपको अपना बैगन का अपडेट देता हूँ। ये मेरे ब्रिंजल के प्लांट है, बंच में लगाए, मतलब साथ में लगाए मैंने सारे ब्रिंजल के प्लांट। मेरे पास तीन वेराइटी में दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाइट ब्रिंजल की वेराइटी है, आप देख सकते हैं इसकी भी हालत। चीज में फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूट भी बन रहे, कन्वर्ट हो रहे हैं। ये देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावर आ रहे हैं और बहुत सारे बंच में लग रहे, मतलब बैगन कितने सारे। और एक ये वाला बैगन है मेरा, पर्पल कलर का लॉन्ग बैगन है। ये मेरा पर्पल कलर का लॉन्ग बैगन वाला है, ये देखो वाला ब्रिंजल जो लंबा होता है, ये देखो इसमें लगाया हुआ है शायद। ये 8x8 इंच का ग्रो बैग लग रहा है मुझे। मैंने इसको अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से मंगाया था, आप भी चाहे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। और ये मेरा 16x16 इंच का ग्रो बैग है, इसमें मैंने लगाया है ब्लैक बैगन, वो देख सकते हैं आप, ब्लैक बैगन है वहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो ये ब्लैक बैगन लगाए हुए हैं मैंने, और मेरे पूरे ब्लैक बैगन के पौधे हैं छः पौधे लगाए हुए हैं, उनमें भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, फ्रूट भी अच्छे बन रहे हैं। ये देखो अच्छे फ्लावरिंग हो रही है और अच्छे से बंच में लग रहा है, देखो फ्लावर कितना अच्छा। और ये मेरा गुआवा का ट्री है जिसमें अभी फ्रूटिंग नहीं हुई थी, मैंने इसको ऊपर से मैंने इसको कट कर दिया था, मैं आपको दिखाऊँ। ये मैंने ऊपर से इसको कट करा था और फिर इसमें नई ब्रांच निकली है, नई साइड ब्रांच निकली है, और नई साइड ब्रांच में इनमें आएगी फ्रूट, अभी और बड़ा होना बाकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने टमाटर। टमाटर का ये हाल है, टमाटर का मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, कमी फ्लावरिंग हुई है, मतलब फ्लावर हुए हैं पर सारे गिर गए हैं। मैंने ग्रीनेट के नीचे भी रखा है, देखो ग्रीनेट के नीचे रखा है हमने इन प्लांटों को, और वहाँ के प्लांट को हमने थोड़ा सनलाइट में रखा है, क्योंकि बैगन के पौधों को थोड़ी सनलाइट चाहिए होती है, गर्मी के मौसम में हो या ठंडी के मौसम में, उनको ग्रीन एड के नीचे ना रखें। और फ्रूट प्लांट है तो उनको बाहर रखें और छोटे प्लांट को उसके पीछे रखें, जैसे दो ब्रिंजल के प्लांट हैं उनको मैंने उनके नीचे रखा है। ये देखे मैं टमाटर का मैंने अच्छा रिजल्ट नहीं मिला मुझे, पत्तियाँ मुड़ रही थी ज़्यादा गर्मियों से। और आप चाहे तो ज़िंदगी में कभी भी समर में टमाटर नहीं लगाए, मुझे अच्छा बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिला है। देखो सारे प्लांट अकड़ गए, फ्लावरिंग तो हो रही है पर अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, ज़्यादा फूल सारे गिर रहे हैं, पर कुछ ही फ्लावर मिले, देखो कुछ ही टमाटर बने हुए, बस ये टमाटर देखो ये मना हुआ है बस, और ये मना हुआ है ये वाला। इसलिए मैं आपको कहूँ तो मेरे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, आप में हो सकता है अच्छा रिजल्ट मिले। देखो पत्तियाँ वो ख़राब हो रही है, आप समर में मत लगाइए टमाटर, ठंडी के मौसम में लगाइए या जून जुलाई में लगाइए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कुकुम्बर, काकड़ी, खीरा दिखाता हूँ खीरा। ये मेरा खीरा है जो इसमें फूल फ्लावर भी आने लगे हैं। ये देखे फ्लावर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो
ये है, ये देखो फ्लावरिंग आ रही है, सारे मेल फूल आएंगे। मैंने ये जो जूट की रस्सी होती है मैंने एक ऊपर तक इनको बांध दिया है, जब ये ऊपर तक आ जाएगी तो ये ग्रीन नेट के ऊपर मैं इसको शायद फैलाने का सोच रहा हूँ, और जब ये ऊपर तक फैल जाएगी तब मैं इनका ऊपर का टिप काट दूंगा, 3G कटिंग करूँगा और फिर इसमें सारे फीमेल फ्लावर आएगी। ये दो पौधे लगाए मैंने इसमें 16x16 इंच की ग्रो बैग में लगाए, और ये छोटे पौधे हैं, कुछ दो पौधे छोटे हैं उनको अभी अभी रिपोर्ट करा था मैंने। और ये मैंने अनार का प्लांट है, इसमें भी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, फूल झड़ रहे हैं और एक ही मुझे अच्छा सा एकदम मस्त वाला मुझे देखो कितना अच्छा मिला है मुझे, अनार बन गया, पूरा अनार बना हुआ है। इसको बहुत दिन लगते हैं मैच्योर होने में, मतलब बहुत दिन लगते इसको पकने में। और ये देखो हमारा ये करेला का प्लांट है, हमने ऐसी किसी पत्ते वाले प्लांट में लगाया, मेरा ऐसे ही प्लांट है, मैंने इसमें देखो कितनी अच्छा रिजल्ट मिला है, कितना अच्छा फील रहा है ये देखो। मैं इसको भी मैं सपोर्ट दे दूंगा और तभी इसमें शायद से बहुत अच्छे करेले आएंगे। मेरे और भी करेले के प्लांट है, वो मैंने अभी वो ग्रो नहीं किए सीड से। और ये देखो मेरा मोरपंख प्लांट है, ये भी अच्छा खिल रहा है। आपको ब्रिंजल में फिर से दिखा देता हूँ अच्छी तरह, आप देखे नहीं हो तो ये देखो ये ब्रिंजल के प्लांट से अच्छी तरह देख लो, इसमें ब्रिंजल लग रहे, ब्लैक ब्रिंजल है, कितना अच्छा फ्रूट है देखो इसमें तो, कितनी अच्छी फ्रूटिंग मिल रही है, वाह। अब मैं आपको दिखाता हूँ मसमेलन, खरबूजा जो जिसको बोलते हैं, अब दिखाता हूँ मैं। ये मसमेलन का प्लांट है, ये टोटल सारे प्लांट मेरे पास 5 प्लांट है। ये देखो 8x8 इंच का ग्रो बैग है, इसमें मैंने 3 प्लांट लगाए देखो ऐसे ही, और ये मिट्टी का पोट है, शायद ये होगा 9x9 का या 10x10 का, और जो ये वाला 12x12 इंच का लग रहा है मुझे, हाँ। और इसमें भी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और अच्छी फ्लावरिंग भी खिल रही है, ये देखो इसमें आपको मैं फ्रूट दिखा दूँ तो ये अच्छा खासा फ्रूट है देखो, अच्छा खासा फ्रूट मिला है, और भी फ्रूट लग रहे हैं, बहुत सारे फ्रूट है देखो। ज़्यादा ये वजन में आगे ज़्यादा भी फैली तो मैं इनको नीचे फैला लूँगा आराम से, तब ये अच्छा ग्रो करेगा। अब मैं आपको दिखाऊँ तो आपको मैं केबेज दिखा दूँ, मेरी केबेज का अच्छा रिजल्ट है अभी माना जाता है, पर इसके जो ज़्यादा गर्मी के कारण इसके पत्ते जो नीचे हो रहे अभी ग्रीन नेट के नीचे ही है, यहाँ मैं ग्रीन नेट लगाने का सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा धूप आता है। ये देखो दो प्लांट लगाए मैंने, इकट्ठे का मैंने जो बनाया है ग्रो बैग, देखो आपको वीडियो चाहिए हो इसके ऊपर कैसे बनाए ऐसा ग्रो बैग तो मुझे बताइए कमेंट में। और ये मेरी पालक है, गर्मी में पालक उगाई है मैंने, अच्छी खासी ग्रो है, पर ज़्यादा हार्वेस्टिंग मुझे शायद मिल नहीं सकती। अगर मैं आपको बताऊँ तो ज़्यादा आपको पालक उगानी है तो ज़्यादा मात्रा में लगाइए, ज़्यादा बड़े ग्रो बैग में लगाइए, जैसे मैंने इसमें धनिया उगाया है, अगर मैं इसमें पालक उगाता तो अच्छा, इसमें मैंने धनिया उगाया है अभी वो जर्मिनेशन नहीं हुआ है, अभी होगा, वो इस ट्रे में छोटा वाला ट्रे आता है ना उसमें लगाए, इसमें तो मैंने कट्टा लगा दिया है जिससे मिट्टी बाहर नहीं आएगी। और ये मैं आपको दिखा दूँ कॉलीफ्लावर, अच्छी तरह अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, ऐसा हो रहा है कॉलीफ्लावर केबेज है मेरा, मैं गलती से कॉलीफ्लावर के बीज लाया था, मुझे लगा कॉलीफ्लावर के बीजों के पर केबेज निकला, तो केबेज में अच्छा रिजल्ट नहीं, हेड मन रहा शायद नहीं मन रहा मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा छोटे पोट में लगाया है। टाइम से मैं अपना गार्डन फिर से मैं बहुत बड़ा करूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा करूँगा, मैं ज़्यादा प्लांट लगाऊंगा, मूली सब कुछ लगाऊंगा, अभी टाइम नहीं है मूली वूली लगाने का, अभी जून जुलाई में मैं मूली गाजर चुकंदर सब कुछ लगाऊंगा। देखो मैंने 20 से जो पपीता उगाया था तो इसमें मिली बग्स का अटैक हो गया है, ये देखे इसलिए मुड़ गया है बहुत सारा, देखे आप। और ये मैंने टमाटर लगाए थे, कटिंग से टमाटर लगाए है, आपको वीडियो चाहिए कटिंग से कैसे टमाटर लगाए, उनके शक्कर हटा के टमाटर कैसे लगाए तो मुझे बताइए, मैंने वाटर में ग्रो किया था, इसमें अच्छी रूट आई तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लिया, और कितना अच्छा ग्रो हो रहा है देखो, मैंने ऐसे 3 लगाए देखो, एक ये है और एक ये है, और कुछ टमाटर मेरे ट्रांसफ़र करना बाकी रह गए थे, जो बाकी उनमें भी फ्लावरिंग हो रही है पर मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि इनको मैं ट्रांसफ़र नहीं किया था, मेरे पास मिट्टी नहीं थी। बाकी सारे अच्छे प्लांट है पर ये अकड़ गए हैं जायज़ धूप के कारण, तो आप गर्मी में बिल्कुल भी टमाटर के पौधे ना लगाएं, मैं ये कहता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा गार्डन, पूरा गार्डन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, तो अब चलते हैं, बाय बाय।